मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में आपका स्वागत है। बेटा ये वीडियो नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 3.1 का। देखो बेटा क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास व्यास 40 है, तो त्रिज्या आप जानते हो आधी हो जाएगी 20, कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा इसको मैं डायग्राम के द्वारा यहां पर समझाऊंगा, डायग्राम को आप भलीभांति समझ लें, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक व्रत है बेटा, मैंने यहां एक व्रत बना लिया, ठीक है, ओ केंद्र वाला। अब जानते हैं आप व्रत की केंद्र से व्रत तक की दूरी त्रिज्या, व्रत के केंद्र से व्रत तक की दूरी त्रिज्या, और व्यास कितना था बेटा 40, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी 20। इसका मतलब बेटा ये भी 20 सेंटीमीटर है, और व्रत के केंद्र से व्रत तक की दूरी ये भी आपकी 20 सेंटीमीटर। भैया तो त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या बराबर होती है, ये 20 है ये भी 20, और एक जीवा और दे रखी कितनी 20 सेंटीमीटर लंबाई की, तो बेटा ये भी एक जीवा दे दी है 20 सेंटीमीटर लंबाई की, इसका नाम ए बी, ठीक है बेटा। तो आप देखो वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या 20, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या 20, और ये जीवा 20, तो आप देखो एक त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी। तो कोई मुझे बता सकता है कि कौन सा त्रिभुज हो सकता है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों भुजाएं और तीनों कोण किसके बराबर होते हैं बेटा, समभाव त्रिभुज की, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी एक समभाव त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा बेटा, एक समभाव त्रिभुज होगा, क्यों बेटा, क्योंकि इसकी तीनों तो भुजाएं बराबर हैं, और जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, सुन रहा है बेटा, तो तीनों कोण कितने के हो जाएंगे 60 डिग्री का। आप जानते हो समभाव त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है 60 डिग्री का, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण हमारे पास है, तीनों जो कोण आ गए थीटा का मान डिग्री में, कोण जो आ गया हमारे पास, कोण किस में बेटा डिग्री में, कोण डिग्री में आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब बेटा चाप की लंबाई निकालनी है, तो हमारे पास एक सूत्र था, उस सूत्र पे मैं यहां पे चर्चा करूंगा। सूत्र था बेटा ये, कोण रेडियन में, सूत्र मैंने बताया था कोण किसमें बेटा रेडियन में, चाप बटे त्रिज्या। अब मैं देखूंगा क्या इसके लिए हमारे पास चीजें हैं, चाप, चाप है बेटा हमारे पास, चाप कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर का, त्रिज्या, त्रिज्या भी है हमारे पास बेटा कितना, ये चाप, हाँ बेटा संगत छोटे चाप, सॉरी बेटा चाप की लंबाई तो मैं निकालनी है, ठीक है, चाप की लंबाई तो मैं निकालनी है, त्रिज्या दे रखी है कितना 20, चाप हमें निकालना है, त्रिज्या दे रखी है 20, कोण रेडियन में नहीं है, समस्या बस इस बात की है कोण डिग्री में तो है, तो डिग्री से किस में बदल लेंगे बेटा रेडियन में, ठीक है, तो कैसे बदलेंगे देखें बेटा, डिग्री से सीधे भी बदल सकते हैं, पाई बटा 3 आ जाए, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं, डिग्री से रेडियन में बदलना, डिग्री से रेडियन में बदलने का जो सूत्र है वो है बेटा पाई बटा 180 गुणा डिग्री। तो देखो बेटा मान जाएंगे पाई की पाई, 180 की 180 गुणा डिग्री कितना हमारे पास 60 से काट दूंगा, 60 या 180 पाई बटा 3 रेडियन कितना आया बेटा, पाई बटा 3 रेडियन ये आया, पाई बटा 3 रेडियन। तो अब मान यहां जमाएंगे, अब हमारे पास कोण आ गया बेटा रेडियन में, अब इस सूत्र मान जमा देंगे, कोण रेडियन में बेटा हमारे पास कितना आया पाई बटा 3, पाई बटा 3, चाप हमें निकालना है ऐसे के ऐसे रहने दीजिए, त्रिज्या हमारे पास कितनी है बेटा 20 दे रखिए 20 सेंटीमीटर, सूत्र में सिर्फ मान जाऊंगे, बद गुणा करेंगे बेटा 3 गुणा चाप करूंगा, 3 गुणा चाप 20 गुणा पाई करूंगा 20 पाई, और चाप बराबर 20 पाई बटे में 3, ये जो 3 जो गुणा में कहा जाएगा बटे में, ये चाप की लंबाई आ जाएगी 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। आगे असल में एक बार पुनः देख ले बेटा इसको, उसने सबसे पहले कहा था एक व्रत है, मैंने एक व्रत बना दिया, व्यास 40 तो त्रिज्या होती है आप जानते हो, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, तो त्रिज्या 20
वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या, और एक जीवा भी अलग से 20 दे रखा है, तो ये जीवा हो गया यहां से वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ये जीवा भी 20। अब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बेटा 60 डिग्री। अब कोण आया हमारे पास डिग्री में, और हमें किसमें चाहिए निकालने के लिए, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में बदलने का सूत्र होता है पाई बटा 180 गुणा डिग्री, पाई बटा 180 डिग्री 60 का 60 से काट दे 3 बार, पाई बटा 3 रेडियन। अब सूत्र लगाया बेटा जो हमें मान निकालना है, कोण रेडियन में बराबर चाप बटे त्रिज्या, रेडियन में माप कितनी आई कोण की पाई बटा 3, चाप का मान हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या दे रखी है 20, वज्र गुणा किया 3 गुणा चाप 20 गुणा पाई, चाप का मान निकालना है तो चाप इधर रहेगा 3, यहां से क्या रहेगा बेटा बटे में। तो समझ में आ गया होगा बेटा, बेहतर से बेहतर करते रहे, मेरा नमस्कार आप सभी को, मन लगा के पढ़ते रहें, जुड़े रहें संस्था से, और आगे भी अन्य जितने भी बच्चे हैं आपके आसपास उनको भी अपने संस्था के बारे में परिचित कराएं, एडमिशंस के लिए प्रेरित करें, उनको समझाएं कि इस समय एक सही संस्था का चुनाव होना बहुत जरूरी है, एक सही संस्था में एडमिशन लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका विकास एक सही दिशा में हो सके। ठीक है बेटा, इसमें आपको कोई बहकाने वाली बात नहीं है, रिजल्ट पे व्यक्ति चलता है, रिजल्ट पे परिणाम पे, तो परिणाम आप सबके आंखों के सामने है, आप देख सकते हैं कि अनामिका संस्था का रिजल्ट कैसा रहा है और कैसा इस वर्ष भी है, तो आप देख लीजिए बेटा। धन्यवाद, नमस्कार।